जी। अच्छा यार, आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चले आना है और क्रोम, आपने अपने क्रोम को ओपन करना है और फ्रेश विंडो करके आपने लगाना है सीधा, और यहाँ एक ब्राउज़र आपने क्रिएट कर लेना है अलग से। और इस कोई नाम दे देना है। फिर जो है ना, ये आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग में चले आना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे चले आना और यहाँ कुकीज़ पे आना है और यहाँ ऑल कुकीज़ ब्लॉक कर देनी है, ये ऑफ कर देनी है और ये ऑन कर देनी है। अब साइड पे चले। फिर एक दफा चेक कर लेनी है सेटिंग। सेटिंग होगी, ओके है। फिर यहाँ सर्च करना है वेब कंट्रोल, वेब RTC कंट्रोल, ये यहाँ ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। और इसे पिन कर लेना। फिर सर्च करना है CTG। फिर फिर सर्च आपको VPN, फिर इसे पिन कर लेना है और इसका अकाउंट आपको लगाना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। फिर आपने ये आपको VPN परचेज करना पड़ेगा इसका अकाउंट, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है वो अकाउंट लगाकर, ये हो गया। अब आपने यहाँ पर USA की लगानी है प्रॉक्सी, इसकी किसी को भी जाना सिटी को सिलेक्ट कर। ये एक
एक वीपीएन हो गया, अब इसे डिसकनेक्ट कर दूँ। अब दूसरा वीपीएन है आईपी विदेश, वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, अकाउंट भी लगा। ये आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका भी अलग से अकाउंट लेना पड़ेगा आपको। आपने फिर आईपी विनेश का अकाउंट लगा लेना है, फिर जब लिंक लगानी है तो पहले आईपी विनेश को ओपन करना है अकाउंट को। सर्वर लिस्ट पे चले आना, और यहाँ भी कोई वैसे की कंट्री लगा दो। ये एक वीपीएन की प्रॉक्सी लग गई, अब आपने उसे दूसरे पे चले आना जिसमें आपने ब्राउजर में बनाया हो उसका सेटअप। मैंने ये एस वाले पर बनाया था, अब यहाँ पर आना है और सर्च आके प्रॉक्सी भी लगा लेनी। अब ये लग गया, अब आपने यहाँ पर यूट्यूब सर्च करना है। फिर जो है ना आपने यहाँ पर अपना चैनल सर्च करना है, सर्च कर लेना है अपना चैनल। फिर चैनल पर चले आना है और उस पर एक प्लेलिस्ट बना लेनी है आपने अपने वीडियोस की, 3 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना लो। और जो आपने प्लेलिस्ट बनाई हो उस पर प्ले आर पर क्लिक करना है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक कॉपी कर लेनी है, ये हो गया। फिर आपने उसे कट कर देना है और यहाँ पर पेस्ट एंड गो पर क्लिक कर देना है।